So what is everyone, hope you guys are doing aesthetically well. I'm Rahul Gupta and currently I'm pursuing post graduation in business analytics from University of Dundee. तो बहुत लोगों का ऐसे कंसर्न होता है कि यू के आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे उन्हें फ़ोन कैसे मिलता है, एंड काफ़ी लोगों का ऐसे होता है कि वो अभी जस्ट यू के में लैंड हुए और उन्हें फ़ोन कैसे मिल सकता है. लेट्स सपोज आई बॉट दिस आईफोन 15 प्रो इन जस्ट आई गेस विद इन 1.5 मंथ्स. तो वीडियो में बने रहो और बताता हूँ कि कैसे आप अपने लिए एक फ़ोन, आईफोन, कोई भी फ़ोन अपने लिए बुक कर सकते हो विदाउट एनी क्रेडिट्स को, और क्या इसका मंथली बनता है, क्या कैसे होता है, आपको सब दिखाऊंगा. सो मेक श्योर आप वीडियो पूरी एंड तक देखो. सो या सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट यू शुड नो कि कॉन्ट्रैक्ट पर फ़ोन लेने के कुछ डिसएडवांटेज भी है. जब तक आपका फ़ोन का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा, आप उसमें कोई और सिम, किसी और नेटवर्क ऑपरेटर की सिम यूज़ नहीं कर सकते, जो कि काफ़ी लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज भी है. लेट सपोज़ किसी को एक साल मास्टर्स करने के बाद जाना है, एंड इंडिया में जाते ही या किसी भी अपनी कंट्री में जाते ही उसे अपना पुराना सिम वापस यूज़ करना है. सो इन दैट केस आप अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप पूरा अपना ये पे नहीं कर देते कॉन्ट्रैक्ट का. एंड मैंने जिस ऑपरेटर से लिया है वो है स्काई ऑपरेटर. बेसिकली स्काई ऑपरेटर यूके के बेस्ट नेटवर्क ऑपरेटर्स में से आता है. अगर आप देखेंगे तो टॉप ऑपरेटर्स में वोडाफोन, 3, O2 ये सारे बेस्ट है. मैं सब पे गया था बट सब क्रेडिट्स को चेक कर रहे थे, एंड उसमें एक चीज़ थी कि आपको यूके में आए हुए एटलीस्ट यू नो कुछ मंथ्स हुए हो, क्योंकि मैं जैसे मुझे सिर्फ 1.5 मंथ्स हुए थे तो ऑलरेडी ऑब्वियसली कि मेरा क्रेडिट स्कोर नहीं बना होगा. सो स्काई ने किस बेस पे दिया था, बेसिकली कुछ पार्शियल अमाउंट हमें डिपॉजिट कराना पड़ता है, वो आपको हर ऑपरेटर में कराना पड़ता है, कहीं कहीं आपको फ्री होता है, बट इन स्काई मैंने 90 पाउंड्स पहले पे किया था, एंड उसके बाद मेरी बुकिंग हुई, मुझे रिसीव हुआ फ़ोन, एंड फ़ोन के साथ मुझे एक सिम कार्ड भी रिसीव हुई थी. लेट मी शो यू कि वो कैसा दिखता है. सो मुझे कुछ ये चीज़ रिसीव हुई थी, और इस रिसीव होने के बाद हमने ये सिम डाली, मैंने अपना नंबर पोर्ट किया, एंड विद इन वन डे मेरा नंबर पोर्ट भी हो गया, एंड उसके बाद मेरा एक बिल जनरेट होके आया जिसके लिए मुझे हर महीने एक स्पेसिफिक डेट को मेरे अकाउंट से उतना बिल कटता है. सो कितना बिल कटता है वो डिपेंड करता है. जैसे मैंने इसे 24 या 36 मंथ्स के लिए कराया था, तो मेरा अभी करंटली बिल जा रहा है 24 पाउंड्स पर मंथ. ओके, एंड एडिशनली सिर्फ 24 पाउंड पर मंथ नहीं जाता, आपको एक रिचार्ज भी कराना पड़ता है, सम सॉर्ट ऑफ कि आपको कितना जीबी का चाहिए. सो मेरा साथ साथ 15 पाउंड का रिचार्ज एक्स्ट्रा जाता है, जिसमें मुझे 25 GB पर मंथ मिलता है. आई नो बहुत लोगों के लिए ज़्यादा है, बहुत लोगों के लिए ये GB कम है, बट फॉर मी इट्स अ समथिंग सॉर्ट ऑफ बैलेंस. सो मेरा ओवरऑल 40 पाउंड पर मंथ तक चला जाता है. सो दिस थिंग आई थिंक इट्स बेस्ट फॉर मी, इट्स अ गुड डील फॉर मी. यस, क्योंकि आते ही सबको जॉब नहीं मिलती, आते ही सबको सब नहीं हो पाता कि जिससे बंदा का 2 या 3 महीने में क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो जाए. सो ऑब्वियस है कि स्काई नेटवर्क जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो लेजिट है, इट्स लाइक बेस्ट. सो आई वुड प्रेफर कि आप स्काई नेटवर्क पे जाओ, एंड स्काई नेटवर्क पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करो. रजिस्टर करने के बाद आप साइन इन करो, उसके बाद फ़ोन पे आप फ़ोन सेक्शन पे आपको जो फ़ोन चाहिए उसे सिलेक्ट करो. सिलेक्ट करने के बाद आपके आपका जो सिम है, किस टाइप का आपको सिम चाहिए वो सारा डालना है. उसके बाद आपका एक सॉर्ट ऑफ कुछ ऑथेंटिकेशन चेक होगा, जिसमें 5 मिनट से 10 मिनट जा सकते हैं. वो ऑथेंटिकेशन चेक होने के बाद वो आपको बता देगा कि आप अप्रूव्ड हो या नहीं, एंड बेसिकली अप्रूव्ड हो जाते हैं. सो अप्रूवल आने के बाद आपको 90 पाउंड्स पे करने हैं, और विद इन 3 डेज, डिपेंड करता है उस पर आपको लिखा आ जाएगा, बट विद इन 3 डेज आपको आपका फ़ोन रिसीव हो जाएगा. सो या आफ्टर दैट आपका बिल जनरेट होगा और आप मंथली पेमेंट देना स्टार्ट कर सकते हो. एट द एंड मैंने आखिरी में फ़ोन की अनबॉक्सिंग भी डाली है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप पूरी वीडियो देख के जा सकते हो फ़ोन की अनबॉक्सिंग, फ़ोन कैसे आया था, क्योंकि जिस टाइम 2 हफ्ते पहले जो फ़ोन आया था मैंने वो आज भी वीडियो संभाल के रखी है. सो जस्ट फॉर यू गाइज, तो मेक श्योर आप जाओ देखो, एंड या
सो फाइनली आई रिसीव्ड माई पार्सल फ्रॉम स्काई. सो उन्होंने DPD के थ्रू ये भेजा है. एंड लेट्स अनबॉक्स दिस कि कैसे क्या निकलता है इसके अंदर, क्या है सेटअप करने का प्रोसेस. सो या सो इसके अंदर पहले निकलता है एक हमारा सिम, जो कि स्काई की तरफ से जो सिम आता है हमारा, पहले सिम निकलता है. एंड हमारा निकलता है 15 प्रो, जो कि मैंने स्पेशली ऑर्डर किया था. 15 प्रो ब्लैक टाइटेनियम 128 GB. एंड इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी स्क्रीन पे पता चल जाएगी, या फिर मैं बता दूंगा अभी आपको थोड़ी देर में. बट या दिस इज़ माई फर्स्ट सेल्फ, सो या दिस इज़ माई सेल्फ फर्स्ट फोन. सो या दिस इज़ माई फर्स्ट फोन विच आई बॉट दिस फ्रॉम माई ओन. एंड या सो लेट्स अनबॉक्स दिस. सो थोड़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि 15 प्रो है ब्रो. सो या वो एंड वी हैव दिस ब्यूटी इन द हाउस. सो या ब्लैक टाइटेनियम. एंड विल रिमूव दिस फर्स्ट, लेट्स चेक व्हाट इज इन द बॉक्स. सो वी हैव दिस मैनुअल, ओके एज यूजुअल, एंड दिस टाइप सी टू टाइप सी डेटा केबल. ओके सो या लेट्स पुट दिस असाइड एंड लेट्स गेट इन टू द फोन. सो दिस इज आवर फोन एंड सी. Yeah, so you can see phone right now. It looks so stunning, and yeah, it's not a refurbished phone. It's a brand new phone. Obviously, I just removed this seal. You can see this. And let's turn it on. Yeah. All right. If कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आके मुझसे पूछ लेना. सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया.